हेलो दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजीव पांडे आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। हम आगे के पदों पे चर्चा करेंगे मित्रों, तो आइए क्लास ट्वेल्थ का ये दूसरा वीडियो है और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और आपको ऐसे ही हम नए नए वीडियो लाते रहें और आप लोगों के शैक्षणिक कार्य में हम आप लोगों का सहयोग कर सकें। तो आइए हम लोग देर न करते हुए पदों को शुरू करते हैं, पदों के अर्थ को समझते हैं, देखेंगे। कहते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कंज मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जाना विश्राम लेना। राधिका जी कह रही हैं पवन से कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, मार्ग बता रही हैं यशोदा मैया, सॉरी राधा जी, राधा रानी मार्ग बता रही हैं पवन को कि तुम्हें कैसे जाना है प्रियतम के पास। कहती हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ोगी, हे पवन जो ही तुम मेरा भवन छोड़ करके थोड़ी दूर चलोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेगी, तो तुम्हें सुंदर सुंदर बहुत सारी फुलवारियाँ देखने को मिलेंगी। कहती हैं, प्यारी छाया, उनकी प्यारी सी छाया, मृदुल स्वर, उनका मीठा स्वर तुम्हें मोह लेगी, लेकिन हे पवन तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जे विश्राम लेना, लेकिन हे पवन तुम मेरे दुखों को ध्यान में रखना और वहाँ जाके विश्राम न लेना। कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे पवन जो ही तू मेरे घर से निकल के कुछ पल आगे जाएगी, कुछ कदम आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, तो तुम्हें सुंदर सुंदर बहुत सारी फुलवारियाँ मिलेंगी, प्यारी छाया, उनकी सुंदर प्यारी सी छाया, उनके मीठे स्वर, मृदुल स्वर, उनके मीठे स्वर तुम्हें मन मुग्ध कर लेंगे, लेकिन हे पवन तो भी मेरा दुख लग, हे पवन तुम मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए वहाँ जा कर के विश्राम मत लेना। आगे कहती हैं, थोड़ा आगे सरसरों का धाम सत्व पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह में आना न होना। कहते हैं राधिका करें कि हे पवन थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सुंदर सुंदर गंध और रसों से भरे हुए सत्व पुष्प मिलेंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत सारे लता मिलेंगे जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। कहते प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वो प्यारा सा वृंदावन जो मन को मोहित कर लेता है वो तुम्हें मिलेगा। कहती हैं कि आना जाना इस विपिन से, हे पवन तुम इस वृंदावन से आना और जाना, लेकिन उसकी सुंदरता को देख के मोहित न होना। कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्पुष्प वाला, वृंदावन की बात हो रही है कि हे पवन तुम थोड़ा सा और आगे जाओगी तो तुम्हें मीठे मीठे रस वाले, मधुर गंध वाले, सुगंध वाले सत्व पुष्पों का धाम मिलेगा, जहाँ तुम्हें अच्छे अच्छे बहु ढेर सारे वृक्षों पर लिपटे हुए लता दिखाई देंगी जो अत्यंत सुंदर होंगी, वो प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला वो तुम्हें वृंदावन मिलेगा। हे पवन उस वन में तुम आना जाना, लेकिन उसकी सुंदरता को देख के मोहित न होना। आगे कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन अगर तुम्हें मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते कोई दुखित व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट, तो तू उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसकी थकान को जाके मिटा देना। कहती हैं, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और उसके शरीर के ताप को दूर कर देना, संदग्धों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और तुम अपने सुगंधित गंध से थके हुए लोगों को फिर से उत्साहित कर देना, आनंद में कर देना। कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन अगर जाते जाते तुम्हें मार्ग में कोई थका हुआ पथिक मिल जाए, दुखित व्यक्ति मिल जाए, तो जाके सन्निकट उसकी, तो तू उसके पास जाकर के उसके थकान को, उसके दुख को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे तुम उसके शरीर को स्पर्श करना और उसका शरीर जो तप रहा होगा उसकी तपन को दूर कर देना, सदगंधों से और अपने सुंदर सुंदर गंधों से तुम
श्रम करने वाले लोग जो थके होंगे उनको फिर से उत्साहित कर देना, आनंदित कर देना। आगे कह रही हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना न तो सुंदरी को। हे पवन, अगर तुम्हें मार्ग में कोई नई नवेली पथिक दुल्हन मिल जाए, नई नवेली लज्जाशीला कर है ना, नई नवेली दुल्हन जो एक पथिक हो, जो एक महिला हो, मार्ग में जाते हुए तुम्हें कहीं दिखाई दे, तो कहती हैं होने देना विकृत वसना न तो सुंदरी को। तो तू इतना ख्याल जरूर रखना कि तू अपने झोंके से उस सुंदरी को वस्त्रविहीन मत होने देना। कहती हैं जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी भी थकी हुई हो तो तू उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकान को दूर करना। कहती हैं कि होठों की और कमल मुख की मलताएँ मिटाना, मलताएँ मतलब मुरझाए हुए चेहरे, कहते हैं उसके होठों की और कमल मुख पे जो मुरझाया हुआ पल आ गया हो उसे तुम दूर कर देना, उसकी थकान को दूर कर देना। कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन, अगर तुम्हें मार्ग में कहीं भी नई नवेली पथिक महिला दुल्हन दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो तुम उस सुंदरी को अपने हवा के झोंक से वस्त्रविहीन मत होने देना, यानी उसके वस्त्र को हवा में मत उड़ाना। कहती हैं जो थोड़ी भी श्रमित हो, अगर वो थोड़ी भी चलते चलते थक गई हो तो उसे तू अपने गोद में लेना, उसकी थकान दूर करना और उसके कोमल कोमल होठ हैं कमल के समान खिले हुए चेहरे पर जो थकान आ गई हो, जो मुरझाहट आ गई हो, उसे दूर कर देना। आगे कहती हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर तुम्हें मार्ग में कहीं पर कोई किसान का छोटा सा बालक काम करते हुए दिखाई देते, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तू धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद हो यो व्योम में तो उसे ला, और आकाश में कोई जाता हुआ बादल तुम्हें दिखाई दे दे तो हे पवन तू उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल की छाया से उस तप्त भूतांगना उस पृथ्वी पुत्र को आनंदित करना, उसे धूप से बचाना। कहती हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। हे पवन, अगर कोई किसान पुत्र खेत में थका हुआ दिखाई दे रहा हो तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तू उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और अगर आकाश में कोई जाता हुआ बादल तुम्हें दिखाई दे तो उस बादल को ले आना खींच के तू, और उसकी छाया से उस पृथ्वी पुत्र के को आनंदित कर, उसे सुख प्रदान कर। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखें, आपको अर्थ अवश्य समझ में आएगा। आप हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई।